वेरी वेरी गुड या इवनिंग। यू आर ऑडिबल। अभी मैं ना मतलब कॉम्बिनेशंस बताने वाले हूँ, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब अगर मान लीजिए अभी तक मैं ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप सभी अपने आप पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए एस्ट्रोलॉजी सीख जाए, एस्ट्रोलॉजी मेथड सीख जाए कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कैसे आपको यूज करनी है, ठीक है, अपने लिए। बट अभी जो मैं बता रही हूँ वो एकदम पका पकाया खाना दे रही हूँ, जो कि गारंटीड कॉम्बिनेशंस है ना? तो आज जिन कॉम्बिनेशंस पर बात की जा रही है वो निफ्टी के लिए यूज होंगे, राइट? इंडेक्स के लिए यूज कर सकते हैं आप उन्हें, ठीक है? आज जो कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है, मैं कुछ कॉम्बिनेशंस की बात कॉमोडिटीज और स्टॉक्स के लिए भी करूंगी। उसके लिए मैंने नेक्स्ट सेशन अलग से रखा है, तो दोनों सेशंस को मिक्स हम नहीं करेंगे, ठीक है? तो अभी मैं जो कॉम्बिनेशंस बताऊंगी वो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं। ये कॉम्बिनेशंस आपको कैसे देखने हैं? अगेन, ये कॉम्बिनेशंस आपको पंचांग से देखने हैं। पंचांग से नहीं देखने हो तो कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जहां पर प्लैनेट्स की दूरी का पता रहे आपको, जोडियक बेल्ट 360 डिग्री का है। जोडियक बेल्ट के अंदर 9 ग्रह हैं। अगर मैं प्लूटो, यूरेनियस और नेपच्यून को भी ले लूं तो 11 ग्रह हो जाएंगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे कहीं कहीं इनकी भी बात की है। तो अगर मैं ये पूरे 11 ग्रहों की बात करती हूँ तो ये 11 ग्रह आपको 300 डिग्री में ही आसपास कहीं ना कहीं मिलते हैं, है ना? राइट? तो हमको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि इन ग्रहों की दूरी कितनी है एक दूसरे से। ये कॉम्बिनेशंस आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, सो मैं अभी कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में बता रही हूं और मैं एक्सप्लेन भी कर मैडम, रही आप शेयर कर रहे हैं जी। पीपीटी कुछ शेयर कर रहे हैं? इसमें कुछ शेयर कर रहे हैं क्या? क्योंकि नहीं, स्क्रीन अभी इज तक नहीं ब्लैंक। किया है, करती हूँ करती हूँ, अभी तक नहीं किया। ओके आपका ओके स्क्रीन, आपको लग रहा ओके होगा कि स्क्रीन आपकी, हाँ हाँ आपको डन मेरी डन डन विजिबल नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी तक नहीं किया है, अभी मैं करूंगी, ठीक है? तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो है, आप इसमें पंचांग की मदद ले लें, और भी एप्लीकेशंस हैं, तो सबसे सिंपल वही दृक् पंचांग है जो मैं हमेशा बोलती हूँ। और भी एप्लीकेशंस हैं एफीमेरीज प्लैनेट्स की समझने के लिए, तो मैं वो बाद में ग्रुप में उसकी आइकन भेज दूंगी। फिलहाल आप सभी यहाँ पे ध्यान दें। तो काफी सारे कॉम्बिनेशंस हैं, सबसे पहले मैं बताती हूँ। नंबर 1, वेन सन ट्रांजिट्स विथ वीनस थ्रू एरीज साइन, है ना? तो इसका मतलब है सन प्लस वीनस, ठीक है, फ्रॉम एरीज, ठीक है? तो ये क्या देगा, सन प्लस वीनस। तो सन जब ट्रांजिट करते हैं, ठीक है, शुक्र भी वहीं पर हो या फिर शुक्र के साथ, तो एरीज साइन से जब निकलते हो तो तब आपको क्या दिखेगा कि मार्केट में रिकवरी दिखेगी, रिकवरी वेव दिखेगा। रिकवरी वेव अगर हम बोलें तो आपको जो डाउनफॉल हुआ होगा उसकी रिकवरी दिखेगी, ये कॉम्बिनेशन से, ठीक है? सेकंड, अगर नहीं भी समझे तो हम डाउट वाला जो सेशन रखेंगे उसमें बात करते हैं, ठीक है? पहले आप थोड़े बहुत कॉम्बिनेशंस देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है? फिर इसका ही दूसरा पार्ट मैं बताती हूँ, ठीक है? अगर यहीं पर सन ट्रांजिट करते हैं विथ वीनस, ठीक है, और एरीज में ही, बट यहां पर क्या है, रेट्रो मोशन में, यहां पर रेट्रो होंगे अगर वीनस, तो क्या होगा, तब आपको वीकेंड वेव दिखेगा, वीकेंड वेव डाउनफॉल दिखेगा, ठीक है? मैं यहाँ पे निफ्टी की बात कर रही हूं, तब आपको वीकेंड वेव दिखेगा। तो ये जो चीज है ये एक्सपीरियंस से बताया जा रहा है, इसके प्रूफ्स भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं सारी चीजों के, ठीक है?
तो आप इसको बिल्कुल पहले खुद आजमाएं, हमेशा मेरी राय ध्यान में रखें, ब्लाइंडली फॉलो कुछ भी नहीं करना है, पहले आजमाना है, ठीक है? आप दो दो बार ही आजमाएंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी। नेक्स्ट। जी जी ये जी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के लिए है या जस्ट निफ्टी के लिए? दोनों के लिए, दोनों के लिए, दोनों के ओके लिए। पहले निफ्टी में यूज करिए, फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? जी अभी यहां पर है, कहते हैं कि सन जब ही जेमिनी से निकलते हैं, ठीक है, जब ही सन जेमिनी से निकलेंगे तो ये साल में कितनी बार होगा? जून, मिड ऑफ मई टू मिड ऑफ जून के आसपास, ठीक है? तब आप अगर जी एनालाइजिस करेंगे, देखेंगे तो सन ट्रांजिट थ्रू जेमिनी, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, सन ट्रांजिट थ्रू जेमिनी एवरी ईयर, ये होता है मिड ऑफ मे टू मिड ऑफ जून, ठीक है? तो जब भी ऐसा होगा तो अगेन यू विल सी बुलिश क्रॉस इन द मार्केट, ठीक है? अपवर्ड बोलूं मैं, बुलिश बोलूं, जो भी। फोर, फोर्थ कॉम्बिनेशन, सन ट्रांजिट्स थ्रू जेमिनी, ठीक है, मिथुन राशि में, जब जब सूर्य मिथुन राशि से पास होंगे तब तब। नेक्स्ट। अभी मरकुरी मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, मरकुरी नंबर्स है, मरकुरी निफ्टी के नंबर्स है, इंडेक्स के नंबर्स है, ठीक है? तो मरकुरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट यहाँ पे क्या बोलते हैं, मरकुरी रेट्रोग्रेड की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? मरकुरी जब रेट्रोग्रेड होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होगी, जो कि एक सेकेंड, एक सेकेंड हो, ठीक है? तो ये 3 दिन तक कंटिन्यू मार्केट को अपवर्ड लेके जाएगा, मर्कुरी रेट्रो पोजीशन। तो ये 3 डेज, आप 3 डेज रैली मान सकते हो, 3 दिन तक लगातार आप देख सकते हैं कि ये अपवर्ड पोजीशन में आपको मार्केट दिख सकता है। निफ्टी की बात कर रही हूं, 3 डे, और इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, बट वो सब मैं अभी देने बैठूंगी तो टाइम जाएगा। ठीक है, मैं आगे डिग्रीज भी बताती हूँ। अभी इसके बाद 3 डेज रैली अपवर्ड, अपवर्ड वर्ड मैं यहां पर यूज करूंगी, ठीक है? जब जब मरकरी पास करते हैं या फिर ट्रांजिट करते हैं, सॉरी, अभी जब जब मरकरी ट्रांजिट करते हैं 281 डिग्री फ्रॉम जोडियकल पाथ, जियोसेंट्रिक मेथड का ही मतलब सिंपल जो हम लोग लेते हैं, मरकरी पासेस 281 डिग्री। अभी आप सोचेंगे कि 281 डिग्री क्या है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 281 डिग्री पे जो राशि आती है कौन सी होती है भाई? कैप्रिकॉन, 11 डिग्री कैप्रिकॉन आएगा, राइट? तो ये इसीलिए ले रही हूँ ताकि आप इसको सीख सको। तो हम 11 डिग्री कैप्रिकॉन लेंगे,
तो ये वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ पे फिर से मार्केट को वीक, आपको वीक ट्रेंड देखने को मिलेगा, जब जब मरकरी कैप्रिकॉन को, अभी देखो एक राशि में मरकरी कितने दिन लगाते हैं, 28 डेज के अराउंड, ठीक है। तो जब जब ये पोजीशन आया 281 डिग्री, जब जब मर्क्यूरी ट्रांजिट करेंगे जियोसेंट्रिक मेथड से, तब तब आप खुद ही, ठीक है, निफ्टी ट्रेड जो होगा उसमें आप वीकनेस ऑटोमेटिकली देखोगे, जब जब ये पॉइंट मर्क्यूरी पास करे, तो वीकनेस फॉर निफ्टी ट्रेडर्स, ऐसे लिख देती हूं मैं फिर से रिपीट करूंगी कि आप सभी इसको आजमाएं, उसके बाद ही आगे बढ़े, है ना, एक एक बार आप सभी इसको आजमाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, जब जब मरकरी 101 डिग्री पास करते हैं, ठीक है, मरकरी पासेस 101 डिग्री। अच्छा, 101 डिग्री कौन सा है? लियो राइट। और लेकिन ये वाला जो पीरियड होगा, पहले वीकेंड था, अभी क्या होगा, बुलिश पीरियड। मानस जी आपने बताया, मानस जी यस। गुड, ये मिटा दिया मैडम क्या? नहीं, वो खुद ही चला गया, मुझे सिर्फ बी यू रब करना था, इट्स ओके, डोंट वरी। तो दैट इज बुलिश पीरियड फॉर द मार्केट, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट लियो, ठीक है। तो उस पॉइंट में जब होगा तो आपको हाइक दिखेगी, बुलिश पीरियड वो आपको दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी सन मर्करी कंजंक्शन, सन और मर्करी कंजंक्शन लेते हैं, सन एंड मर्क्यूरी कंजंक्शन, ये क्या करता है, सन मर्क्यूरी कंजंक्शन भी अपवर्ड मोशन देगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन इन फाइनेंशियल वर्ल्ड। एवरी ईयर मर्क्यूरी मेड दिस कंजंक्शन विद सन, ठीक है। तो ये भी हमेशा जब जब ये कंजंक्शन हुआ है, अपवर्ड ही लेकर के आया है, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स लाइक MACD, SAR और TSA, दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी 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 रिलायबल, तो इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, सारे कॉम्बिनेशन पे ट्रस्ट ही कर सकते हो, मैं इंपॉर्टेंट वाले ही बता रही हूँ। सन एंड मर्कुरी का ये भी आपको अपवर्ड ही दिखाएगा, जब जब ये कॉम्बिनेशन आपको, जब जब ये कंजंक्शन आपको दिखेगा। वीनस एंड मर्क्यूरी कंजंक्शन, ठीक है, अभी वीनस और मर्क्यूरी का कंजंक्शन वैसे ये भी, पहले मैंने रैली की बात की थी, 3 डेज अपवर्ड रैली की बात की थी, अभी जो ये 8th पॉइंट है, इसमें वीनस मर्करी कंजंक्शन
स्पेशली ये कंजंक्शन कभी आपको ये तो बियरिश ही है, बट ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन दिस कॉम्बिनेशन परसिस्ट, ये एरीज में, लियो में और लिब्रा में और एक्वेरियस में होगा, तो हमको बियरिश देखने को मिलेगा. तो मुझे क्या चाहिए कि आप ये ध्यान में रखें, एरीज लियो और एरीज लियो लिब्रा और एक्वेरियस को आपको ध्यान में रखना है. वीनस मर्कुरी कंजंक्शन इन एरीज लियो एंड लिब्रा, ठीक है. यहां मैडम पर चौथा कुछ बताया ना, एरीज लियो लिब्रा और एक बताया सॉरी सॉरी राइट, थैंक यू सो मच. एरीज लियो लिब्रा कुंभ एक्वेरियस. एक्वेरियस। यस आपने थैंक बताया था तो मैं यू. लिख दिया था, लिख दिया था तो यस, तो थ्री रेस बियरिश रैली इन द मार्केट, ठीक है. अभी मून कंजंक्शन प्लूटो के साथ, मर्करी एंड प्लूटो कंजंक्शन, मर्करी प्लूटो कंजंक्शंस, ये आपको क्या दिखाएगा? रिवर्सल, रिवर्सल फिर से, ये रिवर्सल पॉइंट्स ही आपको दिखाएगा, ठीक है. मतलब ऊपर नहीं होगा, रिवर्स जाएगा, राइट. अभी यहीं पर मून प्लूटो, मून प्लूटो का जो यति होगा, ये भी इसमें भी वीकनेस आएगी नीचे, ठीक है. जियोसेंट्रिक मेथड ही लेना है, मतलब ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, हम वैसे भी जियोसेंट्रिक ही लेते हैं. ठीक है, तो मून कंजंक्शन विद प्लूटो, ओके, ये भी वीकनेस ही दिखाएगा, यानी कि डाउनवर्ड ही ट्रेंड दिखाएगा. निफ्टी फेस सम, निफ्टी वीकेंड्स, ठीक है. ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स हो गए निफ्टी के लिए, ठीक है. जहां पर मेन निफ्टी के लिए, ठीक है, जहां पर आप एकदम इन पॉइंट्स को, ये ऐसी प्लेनेटरी पोजीशंस हैं जो कि एक्सपीरियंस की हुई है और एकदम रिलायबल आप इन्हें मान सकते हो और इन्हें, इनको आजमा के यूज कर सकते हो, ठीक है. तो नेक्स्ट सेशन में मैं बात करने वाली हूँ कॉमोडिटीज और स्टॉक्स के भी कॉम्बिनेशंस के बारे में.